पाकिस्तान जीआईटी आज एनआईए के साथ करेगी बैठक। गवाह एसपी सलविंदर सिंह से होगा जवाब तलब। जांच के सभी दस्तावेज भी होंगे साझा। पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पठानकोट एयरबेस में की जांच, जुटाए आतंकियों के खिलाफ सबूत। एनआईए की टीम भी रही मौजूद। एयरबेस में पिछले गेट से जेआईटी की एंट्री करवाई गई, साथ ही टेक्निकल एरिया को पूरी तरह से कवर कर दिया गया। पाकिस्तान जेआईटी उस जगह का भी मुआयना करने पहुंची जहां पूर्व एसपी सलविंदर सिंह और उसके दोस्तों को अगवा किया गया था। पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट एयरबेस से वापस लौट गई है। जीआईटी के खिलाफ पठानकोट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जीआईटी के खिलाफ लहराए गए काले झंडे, वापस जाओ के नारे लगाए। अमृतसर के अजनाला पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीआईटी के पठानकोट दौरे का किया विरोध। सरकार पर साधा निशाना, कहा वो हमला करें हम काले झंडे भी ना दिखाएं। आम आदमी पार्टी ने भी पाकिस्तान जीआईटी के खिलाफ पठानकोट में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने जीआईटी में आईएसआई के लेफ्टिनेंट तनवीर अहमद की मौजूदगी को लेकर एतराज जताया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। पठानकोट एयरबेस में जीआईटी के दाखिल होने का शिवसेना ने भी किया विरोध। शिवसेना ने कहा जीआईटी को एयरबेस में नहीं घुसने देना चाहिए था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से जीआईटी की खातिरदारी की जा रही है वो देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पठानकोट जांच को लेकर हो रही सियासत को गलत बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश हित से जुड़े मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। पाक जीआईटी के भारत में आकर जांच करने का विरोध। पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले में शहीद हुए गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह के पिता ने भी किया। गुरसेवक सिंह के पिता ने कहा कि भारत पहले ही पाकिस्तान को सभी सबूत दे चुका है, तो फिर जीआईटी यहां क्या कर रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में किसानों की खुदकुशी पर दिखाई चर्चा के बाद पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने लिया संज्ञान। डीसी से मांगी रिपोर्ट, कहा रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा मुआवजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जमीनी स्तर पर शुरू किया पार्टी को मजबूती देने का काम। आज अमृतसर में पार्टी के शहरी और ग्रामीण स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कैप्टन के साथ प्रशांत किशोर भी होंगे मौजूद। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, क्रीमी लेयर में छूट देकर 4 एकड़ से कम जमीन वाले छोटे किसानों को मिलना चाहिए आरक्षण। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिखों की काली सूची काफी हद तक खत्म कर प्रवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हरसिमरत कौर बादल ने मानसा के दर्जनों गाँवों में संगत दर्शन करने वो पहुंची थी और इस मौके पर उन्होंने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मानसा के तामकोट, रल्ला, अकलिया समेत कई गांव का दौरा किया जहां उन्होंने संगत दर्शन करते हुए लोगों की मुश्किलें सुनी। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि लंबे समय से वतन वापसी की राह देख रहे सिखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। डीएसजीएमसी प्रमुख मनजीत सिंह जीके ने केंद्र सरकार की तरफ से काली सूची से 36 सिखों के नामों को हटाने का स्वागत किया। जीके ने कहा कि केंद्र ने इसकी मंजूरी देकर 1980 से 1990 के दशक में विदेशों में राजनीतिक शरण लेने वाले सिखों को आंशिक राहत प्रदान की है। काली सूची में शामिल सिखों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने राजनीतिक मोर्चे पर और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। इस मामले पर 8 अप्रैल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जीके ने साफ कहा है कि काली सूची को पूर्ण तौर से रद्द करवाने तथा सभी परिवारों को वीजा सुनिश्चित तौर पर मिले उसके लिए अकाली दल वचनबद्ध है। अगर इसमें कोई रुकावट आती है तो ये सरासर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता दोपहर 1 बजे होंगे मीडिया से मुखातिब, बड़ा खुलासा करने का दावा। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल पंजाब के प्रधान हिम्मत सिंह शेरगिल ने भटिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि आम आदमी पार्टी ने मानसा, भटिंडा से डॉक्टर वकीलों से मुलाकात करने की शुरुआत कर दी है। इन सभी डॉक्टर्स और वकीलों से सलाह ली गई है कि चुनाव मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें आपकी तरफ से डालनी चाहिए। ये सिलसिला पूरे पंजाब में चलेगा।
आम आदमी पार्टी की महिला पंजाब प्रधान बलजिंदर कौर ने बताया कि बठिंडा के तलवंडी साबू में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन आम आदमी पार्टी बड़ी रैली करेगी। पार्टी में इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने उम्मीद जताई कि 2 से 3 महीनों में उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 में संशोधन किए जाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 21 मोर्चों को पंजाब सरकार ने कानून में संशोधन किया था। 21 मार्च को दरअसल पंजाब सरकार ने कानून में संशोधन किया था जो कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ था। आरोप के मुताबिक पंजाब सरकार का नया संशोधन नगर निगम या नगर काउंसिल में शराब के ठेके खोलने की इजाजत देता है। साथ ही ये भी कहता है कि अगर कोई ठेका खुला है लेकिन उस पर यही के लिखा नहीं है तो भी ठेका खुल सकता है। और हाई कोर्ट में पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी को भी चुनौती दी गई है लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। और इसमें पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे कि नेशनल स्टेट हाईवे पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएं लेकिन पंजाब सरकार की नई पॉलिसी इसका उल्लंघन करती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। बठिंडा में जुलस ने प्रदर्शन किया और 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि अगर स्वर्णकारों की मांगें नहीं मानी गई तो वो पूरे प्रदेश में यानी कि पंजाब प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उधर जौहरियों के आंदोलन में पहुंचे पंजाब व्यापार मंडल के प्रधान अमित कपूर ने भी इनके समर्थन का ऐलान कर दिया है। आंदोलन कर रहे ज्वेलर्स ने ऐलान किया है कि अगर जल्द ही इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो पंजाब बंद का भी आह्वान करेंगे।